आई होप आप सब ठीक हैं। आज का मेरा वीडियो जो है वो 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी का से रिलेटेड है, ओके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का मेरा जो टॉपिक है, आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेड फॉर 12 मंथ्स, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रोडक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और लास्ट क्लास हमने ये भी देखा था कि प्रोडक्ट मेथड कब यूज होता है, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड कब यूज होता है, व्हेन पार्टनर्स विड्रू अन इक्वल अमाउंट, है ना, अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करते हैं, ठीक है, एट अन इक्वल क्लास टाइम इंटरवल्स, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड हमने क्या देखा कि पार्टनर्स का कोई फिक्स अमाउंट ही नहीं है, ठीक है। कभी 500 विड्रॉ कर लिया, कभी 1000 विड्रॉ कर लिया, और कभी किया ही नहीं। तब हम कौन से मेथड से कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है। इसके लिए आपको यदि अभी भी कोई डाउट्स हैं तो इसके लिए आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, समझाने वाली हूँ, वो हमारा कौन सा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड करने वाले। एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब जब पार्टनर्स होल द ईयर विड्रॉ कर रहे हैं, रेगुलरली विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। होल द ईयर विड्रॉ कर रहे हैं, रेगुलरली विड्रॉ कर रहे हैं और सेम अमाउंट कर रहे हैं। क्या ध्यान में रखना है, एक तो रेगुलरली विड्रॉ करते हैं, क्या ध्यान में रखना है कि पार्टनर्स कैसे विड्रॉ कर रहे हैं, रेगुलरली, ओके। और क्या ध्यान में रखना है, सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, क्लियर। चलिए अब एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इट मे हाउ एवर बी नोटेड दैट इफ द विड्रॉल आर ऑफ यूनिफॉर्म अमाउंट, विड्रॉल्स कैसे हैं आपके, यूनिफॉर्म मतलब सेम है, एंड आर मेड एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, आर मेड एट रेगुलर इंटरवल्स। जो मैं आपको अभी बता चुकी हूं पहले ही कि रेगुलरली विड्रॉ कर रहे हैं पार्टनर्स, ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल ऑफ द अमाउंट ड्रॉन। तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि उन्होंने होल द ईयर टोटल कितना विड्रॉ किया हुआ है, क्लियर। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं कि पार्टनर ए है, ठीक है, ही विड्रू 5000 in the beginning of every month, ठीक है। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं, हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि पार्टनर कब विड्रॉ कर रहा है, बिगनिंग में करता है भाई। तो आपने देखना कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब रेगुलरली कर रहा है ये, ठीक है, रेगुलरली कर रहा है। और 5000 मतलब सेम अमाउंट, यूनिफॉर्म अमाउंट, मतलब हर महीने वो 5000 विड्रॉ करता है, क्लियर। तो इस केस में आपने क्या करना, पहले आपने देखना कि पूरे साल में होल ईयर टोटल कितना विड्रॉ किया उसने, टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हुई, तो 5000 इंटू 12 दैट इज 60,000, ठीक है। यही लाइन लिखी हुई है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल ऑफ द अमाउंट विड्रॉन, क्या बोल रहे हैं, ऑन द टोटल ऑफ द अमाउंट ड्रॉन। इस केस इसकी बात हो रही है कि उसने टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया है होल द ईयर, ठीक है, समझ आ गया। ये टोटल ऑफ द अमाउंट ड्रॉन कैसे निकालना होता है, टोटल ऑफ द अमाउंट ड्रॉन मतलब 5000 हर मंथ में निकाल रहा है, ही विड्रॉ 5000 रेगुलरली, ओके, पर मंथ में वो 5000 निकाल रहा है, तो पूरे साल में कितना निकालेगा भाई, 60,000, ओके। फॉर द एवरेज ऑफ द पीरियड्स एप्लीकेबल टू द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अच्छा, जब भी आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालना है तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला, पहले हम निकालेंगे एवरेज पीरियड, ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड।
चलिए एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, ठीक है। इसके थ्री केसेस में करेंगे हम। When drawings are made in the beginning of every month. Drawings are made in the beginning of every month. Okay? तब आप first क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? Average period निकालेंगे, ठीक है? क्या निकालेंगे आप? Average period. Okay? Average period का formula क्या है? Time left after first drawing, time left after first drawing, okay, time left after first drawing plus time left after last drawing, ओके, डिवाइडेड बाय टू, व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज पीरियड? दैट इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। पहली बार पैसा निकाला आपने तो कितना टाइम बचा, और उसके बाद आखिरी बार पैसा निकाला तो कितना टाइम बचा, दोनों को ऐड करेंगे फिर डिवाइडेड बाय टू करेंगे। चलिए लेट्स टेक द एग्जांपल, ठीक है। मान लेते हैं, चलिए हम पीरियड लेते हैं, अप्रैल से लेके मार्च ले लेते हैं। चलो अप्रैल, ओके, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके, ये हमारे 12 मंथ्स है टोटल। कितने का पीरियड आपका ये, यहां से लेकर कितने मंथ्स हुए ये? 12 मंथ्स, ठीक है। अब एवरेज पीरियड देखना है हमने। टाइम लेफ्ट, पहली बार एक तो पार्टनर निकालता कब है? बिगनिंग में निकालता है, ठीक है। बिगनिंग मतलब वो फर्स्ट अप्रैल को निकाल रहा है, फिर फर्स्ट मई को निकाल रहे हैं, फर्स्ट जून को निकाल रहे हैं, फर्स्ट जुलाई को निकाल रहे हैं, फर्स्ट अगस्त को निकाल रहे हैं, फर्स्ट सितंबर, फर्स्ट अक्टूबर, लाइक वाइज फर्स्ट नवंबर, फर्स्ट दिसंबर, फर्स्ट जैन, फर्स्ट फेब, क्योंकि बिगनिंग में ही निकालता है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओके। तो आप बोल रहे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहली बार कब निकाला उसने? आपको इससे मतलब है सिर्फ फर्स्ट टाइम उसने निकाला फर्स्ट अप्रैल को, और आपको किससे मतलब है? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट कब निकाला इन्होंने? ये लास्ट यहां निकाला, लास्ट कब निकाला इसने? फर्स्ट मार्च को निकाला। आपको बाकियों से मतलब नहीं है, क्लियर। अब सोचिए पहली बार फर्स्ट अप्रैल को पैसा निकाल रहा है, ठीक है। आपने फर्स्ट अप्रैल से लेकर मार्च तक काउंट करिए, कितने मंथ्स हैं सामने? मंथ्स है फर्स्ट अप्रैल टू मार्च, मैंने पहले ही आपको बता दिया कितने मंथ्स हैं। फर्स्ट अप्रैल भी खत्म नहीं हुए, अभी ओवर नहीं हुए। फर्स्ट अप्रैल से लेकर मार्च तक कितने मंथ्स आ गए? 12 आ गए प्लस, ओके। अब हमने किसको देखना है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 12 मंथ्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, लास्ट बार कब ड्रॉइंग की हुई है? लास्ट बार की है उसने फर्स्ट मार्च को की है, तो फर्स्ट मार्च से लेकर 31st मार्च तक काउंट करेंगे, ओके। फर्स्ट मार्च से लेकर कब तक देखेंगे? फर्स्ट मार्च से लेकर 31st मार्च तक कितने मंथ हुए, ठीक है? 1 मंथ हो गए, ओके, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो क्या आ गया आपका? 13 डिवाइडेड बाय 2 मंथ, ये आपका क्या निकला? एवरेज पीरियड। समय आ गया कैसे निकालना एवरेज पीरियड, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, ओके, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। पहले आप सारे मंथ्स लिख लीजिए, पहली बार पैसा कब निकाला और आखिरी बार कब निकाला, आपको उससे मतलब होना चाहिए, ठीक है। पहली बार वो फर्स्ट अप्रैल को निकाल रहे हैं, है ना, तो फर्स्ट अप्रैल को यदि कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो उसने कितने महीने यूज किया भाई, ठीक है, कितने महीने यूज किया है? फर्स्ट अप्रैल से 31st मार्च,
क्या देखना आपने, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कितने मंथ होते हैं भाई, तो कितने होते हैं 12 मंथ्स। ठीक है, ये देखिए हमने 12 मंथ्स ले लिया। फिर हमने देखना है लेफ्ट आफ्टर लास्ट, लास्ट वाला देखना है। लास्ट कब निकाल रहा है वो, 1 मार्च को निकाल रहा है। आखिरी बार कब निकाल रहा है, 1 मार्च। तो आपने 1 मार्च से कब तक देखना, 31 मार्च तक देखना है। तो कितने मंथ हो रहे हैं, 1 मंथ हो रहे हैं। ओके, फिर क्या करना है, दोनों को, फिर दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, मैं इरेज नहीं कर रही हूं। ठीक है, ध्यान से आप मेरे वीडियो को, कोई भी डाउट्स हैं बार बार मेरे को सुनो, बार बार वीडियो देखो। ठीक है, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड आर इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, मिडल ऑफ एवरी मंथ, लाइक वाइज सब एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया लास्ट, क्या फॉर्मूला है, टाइम, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगेगा एवरेज पीरियड का। चलिए इसमें भी हम पहले मंथ लिख लेते हैं। चलिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, ये 12 मंथ्स का साइकिल हमने लिख ली है, टाइम पीरियड हमने नोट कर लिया। अब हमें सिर्फ किससे मतलब है, फर्स्ट बार इसे, फर्स्ट, पहली बार विड्रॉ किया उसने। ठीक है, फर्स्ट टाइम, और कब से मतलब हमें, लास्ट, लास्ट टाइम, हमें दो से मतलब है। ठीक है, फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम। अब पार्टनर कब विड्रॉ कर रहा है, मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल मतलब 15 अप्रैल को। ठीक है, यहां पे कब विड्रॉ कर रहा है, ये 15 मई को, यहां पे 15 जून को विड्रॉ कर रहा है, ये यहां पे 15 जुलाई को। ठीक है, मिडल में कर रहा है, 15 अगस्त को कर रहा है। ठीक है, हमें मतलब किससे है, फर्स्ट एंड लास्ट से। लास्टली उसने कब विड्रॉ किया, उसने मार्च में किया भाई, कब किया, 15 मार्च। ठीक है, लास्टली उसने कब किया है, 15 मार्च को। हमें फर्स्ट से मतलब है, लास्ट से मतलब है। ठीक है, चलिए अब एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज पीरियड। ठीक है, फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगी, पहले बता चुकी हूं। ठीक है, अब पहली बार जब पैसा निकाला तो कितना टाइम बचा, तो आपको पता है भी, अप्रैल, तो चलो अप्रैल को छोड़ दो पहले। ठीक है, अप्रैल के हमने सिर्फ कितने डे लेने, 0.50 लेने, क्योंकि 15 डेज बचे हैं। 0.50 क्यों ले रहे हैं हम, 15 डेज के लिए। ठीक है, अब मई टू मार्च पूरा काउंट कर लो, कितने मंथ हुए, मई टू मार्च कितने मंथ हुए, 11। ठीक है, मई से लेकर मार्च तक काउंट करिए मंथ्स, मई टू मार्च कितने मंथ हुए, 11। ओके, और अप्रैल, अप्रैल 15 को विड्रॉ किया उसने, है ना, तो कितने मंथ्स कितने बचे। ठीक है, कितने मंथ्स बचे, 0.50, कितना है, 0.50, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 11.50। कितना आ गया, 11.50, क्लियर हो गया। ठीक है, 11.50 प्लस, ठीक है, हमने क्या किया, हमने क्या किया, जब भी हमने ये, कैसे 11.50 कैसे आया, मैं अगेन रिपीट कर रही हूं। ठीक है, हमने क्या किया, अप्रैल के जो अप्रैल मंथ है आपका, जो अप्रैल मंथ है ना, उसका हमने लेना है 0.50, क्योंकि 15 डेज है, क्यों, 15 डेज को हम क्या बोलेंगे, 0.50। ओके, और उसके बाद हमने क्या लिया, मई से लेकर मार्च तक कितने मंथ हुए, 11 मंथ, दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 11.50। ओके, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सबने? ओके गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, बीच वाला रेज कर देती हूँ, नीचे वाला मैं ऐसे ही रहने दूंगी। ठीक है, तो 11.50 कैसे आया आपको, क्लियर हो गया? चलिए 11.50 आ गया। अब लास्ट बार जो विड्रॉ किया उसने कितना कब किया है, लास्ट मार्च में आखिरी बार विड्रॉ किया मार्च में। तो मार्च का हम सिर्फ लेंगे क्योंकि 15 डेज है, 15 डेज को हम क्या बोलेंगे, 0.50। ओके, तो हम क्या लेंगे, 0.50 अपॉन 2। ओके, कितना हुआ आपका ये 11 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, दैट इज 6 मंथ। क्लियर हो गया, मिडल ऑफ एवरी मंथ भी। चलिए नेक्स्ट हम निकालेंगे एंड ऑफ एवरी मंथ। When drawings are made in the end of every month, ठीक है, same end of every month में partner withdraw कर रहा है, मतलब April 30 को कर रहा है, May 30 को कर रहा है, ठीक है, May 31 को कर रहा है, June 30 को कर रहा है, July 31 को कर रहा है, August 31 को कर रहा है, ठीक है, ठीक है। partner कैसे withdraw कर रहा है, अब April में कर रहा है, वो कौन सी date को कर रहा है, closing date पे, end date पे। May में कब कर रहा है वो, 31 May को, क्योंकि क्या बोला हुआ है, एंड ऑफ एवरी मंथ। जून को कब कर रहा है वो, 30 जून को, ठीक है। जुलाई में कब कर रहा है विड्रॉ वो, 31 जुलाई, ठीक है। लाइकवाइज, ठीक है, हमने हमें मतलब है फर्स्ट से, और हमें मतलब है किससे, मार्च से, ठीक है, कि मार्च में कब कर रहा है और अप्रैल में कब कर रहा है। मार्च 31 को कर रहा है ये लास्ट बार, और ये वाला फर्स्ट बार, हमें इन्हीं दो से मतलब है। क्लियर, हमें फर्स्ट से मतलब है और लास्ट से मतलब है कि लास्ट बार कब किया और कितना टाइम पीरियड लेफ्ट बचा है। चलिए एवरेज पीरियड निकालते हैं, ठीक है। एवरेज पीरियड क्या फॉर्मूला बताया मैंने एवरेज पीरियड का, टाइम लेफ्ट आफ्टर, फिर से रिपीट कर रही हूं, लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बार टाइप पैसा निकाला, अमाउंट विड्रॉ किया, तो कितना टाइम बचा, कितने मंथ बचे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, आखिरी बार पैसा निकाला तो कितना भी टाइम बचा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब तो आपने देखना है कि अप्रैल 30 को वो पैसा निकाल रहा है, तो मतलब अप्रैल के मंथ में तो उसने पैसा यूज ही नहीं किया, अप्रैल तो खत्म हो गया, ठीक है। तो कितना टाइम बचा है, मई से लेकर मार्च तक, कब से देखेंगे, मई टू मार्च, कितना टाइम बचा, करिए 11 मंथ्स, कितने बचे ये 11 मंथ। तो यहां हम लेंगे 11 प्लस आखिरी बार, लेफ्ट आफ्टर लास्ट, आखिरी बार भी मार्च 31 में निकाला है, विड्रॉ किया हुआ है, तो अभी तक हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में उसने पैसे को यूटिलाइज नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब 0 11 0 अपॉन 2, दैट इज 11 अपॉन 2 मंथ्स, ठीक है। इसको आप डेसिमल में भी कर सकते हैं, 11 बाय 2 कम्स टू 5.5, ठीक है, 5.5, 2 ones are 2, 5s are 10, 5.5, ओके, ठीक है। लेट्स टेक वन ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। तो हमने बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एवरेज पीरियड क्या लगेगा, 13 बाय 2। ओके, नेक्स्ट मिडिल ऑफ एवरी मंथ, 6 बाय 12, एंड ऑफ एवरी मंथ, 11 अपॉन 2। चलिए लेट्स टेक वन ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए क्या लिया हमने, BPLR पार्टनर्स इन अ फर्म, यू आर इनफॉर्म दैट बी ड्रॉस 5000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बी कर रहा है, बी कब विड्रॉ कर रहा है, बिगिनिंग में कर रहा है, ओके, बिगनिंग में। आपको फिर अपने माइंड बना लेना है कि बिगनिंग में जो हमारा एवरेज पीरियड यूज होने वाला है, एवरेज पीरियड कौन सा होने वाला है यूज, 13 अपॉन 2, और डेसिमल में करें तो 6.5,
ओके चलो बी का भी ड्रॉ कर रहा है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है. ओके नेक्स्ट क्या बता रहे हैं ये. सेकेंडली पी, टॉकिंग अबाउट पी, ठीक है. बी एंड पी, पी ड्रॉ रुपीज 5000 फ्रॉम द फर्म एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ. पी कब विड्रॉ कर रहा है, मिडल में कर रहा है, ठीक है. ओके तो मिडल का आपका क्या है एवरेज पीरियड, मिडल का एवरेज पीरियड कितना है आपका, एवरेज पीरियड ओके 6 मंथ. ओके 6 मंथ आए थे हमारे. ओके नेक्स्ट पी के बाद नेक्स्ट लेटर ऑन एल विड्रॉ कर रहा है. एल कब विड्रॉ कर रहा है, एंड ऑफ एवरी मंथ, ये एंड में कर रहा है. एंड का एवरेज पीरियड क्या आपका, एंड का एवरेज पीरियड कितना है एंड का, 11/2. ओके और डेसिमल में लेके जाए तो और 5.5. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है. बी पी एल, चलिए पहले हम सॉल्व करने वाले हैं किसका, बी का ले लीजिए. फर्स्ट स्टेप, पहले आप क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड, ठीक है. एवरेज पीरियड आपको पता ही है, मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूं, 12+1/2 दैट इज 13/2, ठीक है. मुझे रेशनल एक्सप्रेशन में ज्यादा सुटेबिलिटी होती है इसलिए मैं रेशनल एक्सप्रेशन में लूंगी. आपको यदि डेसिमल्स में ज्यादा अच्छा लगता है तो आप डेसिमल्स में करेंगे, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे टोटल ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग्स निकालेंगे. तो बी निकाल रहा है 5000 निकाल रहा है इन द बिगनिंग. हमने क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया है, चलो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, है ना. बिगनिंग तो आपने टोटल ड्रॉइंग कैसे निकालनी, 1 मंथ में वो 5000 निकाल रहा है तो पूरे साल में कितना निकालेगा, व्हाट कम्स 60,000. क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट. 60,000 टोटल विड्रॉ किया है उसने पूरे ईयर में. नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे आई ओ डी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. क्या फॉर्मूला लगेगा, टोटल ड्रॉइंग ओके इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 13/2 डिवाइडेड बाय 12. ओके चलिए लेट्स सॉल्व. टोटल ड्रॉइंग की वैल्यू पुट करिए 60,000, व्हाट्स द रेट, चेक इन द क्वेश्चन, ठीक है. आई थिंक इज इट 12%, चलिए चेक कर लेते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, चलिए निकालते हैं 12%. 60,000 इंटू 12/100 इंटू 13/2 इंटू, ये आपका डिवीजन में है, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रही हूं. मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल, 13/2 × 1/12. चलिए सॉल्व करते हैं, 12 और 12 को हम काट देते हैं, ठीक है. 0 0 ये कट गया आपका, 2 1s are 2, 3s are 6, 300. एट द लास्ट क्या बचा आपका, 300 × 13 कितना आ गया आपका, 3 3s are 9, 3900, ठीक है. तो बी कितना इंटरेस्ट पे करेगा फर्म को, 3900. सेम हम निकालेंगे, किसका निकालेंगे हम, बी के बाद नेक्स्ट पार्टनर है पी, ठीक है. बी के बाद कौन है, पी. चलिए अब हम निकालते हैं यहां पे पी, और नेक्स्ट हम इसमें हाफ साइड पे मैं निकालूंगी एल का. ओके ठीक है. बी का फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड. अब पी का विड्रॉ कर रहा था, पी विड्रू, पी का क्या था, पी विड्रू इन द मिडल, मिडल में कर रहा था, ठीक है, मिडल में कर रहा था ये आपका.
ओके तो पहले क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड जो मैंने आपको समझा दिया कैसे निकालना है, कितना आएगा 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2 दैट इज 12 अपॉन 2 कम्स टू 6 मंथ. ओके सेकंड आप क्या लेंगे, सेकेंडली टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग. ठीक है तो हमने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया है, उसमें लिखा है कि पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट पी का कर रहे हैं, तो पी भी कितना विड्रॉ कर रहा है 5000, पी भी कितना विड्रॉ कर रहा है 5000. ठीक है तो अगेन हम क्या करेंगे, पी ने कितना विड्रॉ किया है अभी, 5000 इंटू 12 कम्स टू 60000. नेक्स्ट स्टेप हमारा थर्ड स्टेप आईओडी, फॉर्मूला सेम, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू आपका एवरेज पीरियड कितना है 6 डिवाइडेड बाय 12, 12 से डिवाइड करने है, क्लियर. नाउ पुट द वैल्यू, टोटल ड्रॉइंग 60000 ओके इंटू रेट कितना है, आई थिंक इज इट 12% इंटू 6 अपॉन 12, 6 वन जा 6, 2 जा 12, 2 वन जा 2, 6 जा 12, ठीक है कम्स टू 600 इंटू 6 3600. ओके तो पी पूरे ईयर का कितना एवरेज बेस पे वो कितना इंटरेस्ट पे करने वाला है 3600. लाइक वाइज हम एल का निकालेंगे. ठीक है अब एल का जो है ठीक है अब एल जो विड्रॉ कर रहा है ठीक है एल विड्रॉ क्या कर रहा है, एल विड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ. ठीक है ठीक है एंड ऑफ एवरी मंथ. ठीक है फर्स्ट स्टेप में हमने क्या निकालने वाले हैं, ठीक है एल का फर्स्ट स्टेप हमने क्या निकालना, एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड. ठीक है एवरेज पीरियड कितना आएगा इसका बताइए, 11 प्लस 0 अपॉन 2 दैट इज 11.2, 11 डिवाइड बाय 2 मंथ्स. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या निकालना है, टोटल ड्रॉइंग्स. ठीक है टोटल ड्रॉइंग्स आपको पता है कि सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तीनों पार्टनर बीपी एल, सेम अमाउंट क्या विड्रॉ कर रहे हैं मंथली 5000 मंथली कर रहे हैं, तो ईयरली निकालने के इंटू आप क्या करेंगे 12 से कर देंगे तो 60000 विड्रॉ कर रहे हैं वो. ठीक है देन नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे आप क्या क्या निकालेंगे, आईओडी मींस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ठीक है फॉर्मूला क्या आपका, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 11 बाय 2 डिवाइडेड बाय 12. ओके टोटल ड्रॉइंग 60000, रेट है आपका 12% और 11 बाय 2 को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो क्या होता है रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1/12. ठीक है 11/2 इंटू 1/12 करिए सॉल्व, कर दिया सॉल्व, ये 12/12 कट गया, 0/0 आप काट दो. ठीक है 2 1s are 2, 3s are 6, 300 और 300 इंटू 11 व्हाट कम्स 3300. ओके फाइनली हमारा एल का भी हमने निकाल लिया, एल कितना इंटरेस्ट पे करने वाले हैं 3300 टू द फर्म. ठीक है आई होप आपको ये तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे, एवरेज पीरियड निकालना आ गया होगा. ठीक है चलिए ये तो आपका फॉर्मूला बेस मैंने आपको समझा दिया. ठीक है यदि आपने क्रैम ही करना है, ठीक है थोड़ा सा रटना है, तो आप देख रहे थे कि ठीक है आपको मैं एक चीज और बताती हूँ शॉर्ट में कैसे ध्यान में रख सकते हैं. ठीक है चलिए स्पेस देखते हैं कहाँ मैं आपको क्लियर कर सकूं. ठीक है ये स्पेस मेरे पास वैकेंट है, मैं इस स्पेस पे आपको थोड़ा सा क्लियर करने वाली हूँ. देखिए फर्स्टली आपका बिगनिंग का आपने देखा एवरेज पीरियड, किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, एवरेज पीरियड की बाय चांस आप भूल जा रहे हो, बार बार भूल जा रहे हो, आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ बिगनिंग का लर्न करना है, बिगनिंग का याद करना है सिर्फ.
ठीक है, बिगनिंग का लर्न कर लेना भाई, बिगनिंग का तो लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा भाई, चलो टीचर बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपके टीचर ने भी एक्सप्लेन किया, मैं आपको यहाँ अपने यूट्यूब चैनल अपने चैनल में भी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, चलो आफ्टर ऑल फाइनली आपको समझ में नहीं आया, तो आपने क्या करना, बिगनिंग का एवरेज पीरियड लर्न कर लेना। बिगनिंग का क्या होता है, 12+1/2, ओके दैट इज 13/2। जब हम मिडिल का निकालेंगे ना, तो आप देखना है आपने आपने 0.5 का गैप डाल देना है, 0.5 का गैप आ रहा है, मतलब आपने 12 में से माइनस करना 0.5, ओके प्लस 1 में से भी क्या माइनस करेंगे, 0.5/2। क्लियर, तो आप करिए 12 में से 0.5 माइनस करिए, व्हाट कम्स 11.5 प्लस 1 में से 0.5 माइनस करिए, 0.5/2 कम्स टू 12/2, 6 मंथ। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जो बिगनिंग वाला है उसमें से आपने कितना लेस किया, मिडिल में आने के लिए सिर्फ 0.5। ठीक है, अब हम एंड का देखते हैं भाई, एंड का कैसे लर्न करके रखेंगे, हम कैसे याद रखेंगे, जो मिडिल का आपका आंसर आ गया उसमें से 0.5 कर दो लेस, ठीक है, कितना आया आपका 11.5, अगेन सेम 11.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5 माइनस 0.5, ओके डिवाइडेड बाय 2, 11.5 माइनस 0.5 व्हाट कम्स 11 प्लस 0.5 माइनस 0.5 0.2 दैट इज 11/2। ठीक है, अभी तो आई होप आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला मेरा वीडियो सेम है, जैसे हम 12 मंथ्स के लिए निकाल रहे हैं, अब हम 9 मंथ्स के लिए निकालेंगे, 3 मंथ्स के लिए निकालेंगे, 6 मंथ्स के लिए निकालेंगे, हाफ ईयरली ईयरली सब निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो या मेरी क्लासेस में सही में मजा आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जो मेरी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा जो चैनल है वो उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो ट्यूशन्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली साउंड ना होने के कारण वो कहीं पे भी किसी से भी कंसल्ट नहीं कर सकते हैं, और फोन तो आजकल सबके पास है, तो वो यूट्यूब चैनल तो वो इजिली वॉच कर सकते हैं। ओके देन थैंक्स फॉर शेयरिंग लाइकिंग माई वीडियो, ओके बाय।